हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बेच खजाना पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको ये रेसिपी अच्छे से समझ में आएगी। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं, और आज की हमारी रेसिपी का नाम है मटर पनीर कुलचा, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी होने वाली है। तो चलिए साथियों, बनाना शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी मटर पनीर कुलचा। इसके लिए मैंने एक बाउल में 2 कप मैदा ले लिया है, और नाप के लिए मैंने कप ही लिया है, तो ये मैंने 2 कप मैदा यहाँ पर ले लिया है। और इसमें लगभग आधी चम्मच की समथिंग बेकिंग पाउडर और स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसको हम अपनी मैदा में अच्छे से मिला लेंगे, ताकि हमारा जो बेकिंग पाउडर है वो एक सार सभी में मिल जाए। और फिर 2 चम्मच के लगभग यहाँ पर हम इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे। आप ऑलिव ऑयल ना हो तो और दूसरा ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल से इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा बनता है। और ऑयल को अच्छे से मिक्स करके हम 1 कप दूध से हमारा जो है डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने उबली हुई मटर ली है, जिसको थोड़ा मैश कर लेंगे। और अब एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने, और उसमें ऑयल डालकर राई जीरे का तड़का लगा देंगे। और जब हमारा जीरा अच्छे से तड़क जाएगा तो हम अपनी प्याज उसमें डाल देंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा रंग बदलने के उपरांत हम इसमें अपना जो मैश किया हुआ मटर है वो डाल देंगे। और मटर में टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च जैसा तीखा आप पसंद करते हो, और थोड़ा सा नमक। और इन सब चीज़ों को मिलाकर 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको पैन में फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें अपना छोटे छोटे पीस में काटा हुआ पनीर इसमें मिला देंगे, और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती इसमें डालकर अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कर देंगे और एक साइड ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब हमारा मिक्सर ठंडा हो जाएगा तो अब हम आते हैं अपने डो की तरफ, और एक पैन गर्म होने के लिए रख देंगे, नॉन स्टिक पैन। और डो की इस प्रकार से लोइयां बनाकर कचौड़ी के जैसे हम उसमें अपना जो मिक्सचर है उसकी स्टफिंग करेंगे, और अच्छे से पैक कर कुछ इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और एक अच्छी बढ़िया स्टफिंग की हुई कचौड़ी के टाइप में हम एक लोई बना लेंगे, या तो आप इनको उंगलियों से भी प्रेस करके फैला सकते हैं, या बेलन की सहायता से फैला लें और इस प्रकार से तवे पर डाल दें, और दोनों तरफ से अलट पलट कर अच्छे से सेंक लें। इसकी सिकाई बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना है कच्चा ना रह जाए। तो अच्छे से ध्यान देकर इसको आप सेंकना है। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी लगा सकते हैं, मैंने ऑयल नहीं लगाया है। आप ऑयल लगाकर भी इनको तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरे कुलचे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, मैंने विदाउट ऑयल के कुलचे तैयार किए हैं, इसलिए मैं इसमें बटर लगा रहा हूँ, और मेरे कुलचों में मैंने बटर लगा लिया है। देखिए कितने प्यारे प्यारे कुलचे हमारे दिखाई दे रहे हैं, ये टेस्टी भी हैं। जितने प्यारे आपको दिखाई दे रहे हैं उतने ये टेस्टी हैं। और साथियों, मैंने अपने कुलचों के साथ में यहाँ पर टमाटर, धनिया और हरी मिर्च की चटनी बनाई है, मुझे ये चटनी बहुत पसंद है। इसी के साथ मैं अपने कुलचों का आनंद लूँगा, आप भी बनाइए और आनंद लीजिए।